तो सबसे पहले हम इसकी वाटर सप्लाई बंद करेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो हमने इसकी वाटर सप्लाई बंद कर दी है, हल्का सा हुक नीचे करेंगे एंड यस, फर्स्ट हमने निकाल दिया है। फिल्टर को ऑफ कर देंगे जिससे कि पानी निकले नहीं, और फिर मेन वाला निकाल लेंगे, फिर हम दोनों को निकाल देंगे और इन्हें भी निकाल लेंगे। मतलब अब फिल्टर पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। यहाँ पे ये फिल्टर पूरी तरीके से काला हो चुका है, और इसकी कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी क्या है। खोलने के लिए हमारे पास पहले से यंत्र पड़े हैं, हम सिर्फ उनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये थोड़ा सा अब ऐसे देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। इसे खोलने के लिए बस इसमें अटकाना है, और अभी ग्रिप सही से नहीं बन रही है, हल्का सा कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो कपड़ा ढूंढ लेंगे, कपड़ा ढूंढने के बाद इसे ऐसे लगा देंगे। तरीके से काला हो गया है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि अब ये यूज करने के लायक बचा है। वैसे तो कंध के अंदर तक नहीं गई है, लेकिन इस पे एक मोटी काली लेयर लग गई है, तो इसे भी हम रिप्लेस कर देंगे। और कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं हो रही है इसकी। और ये मेन फिल्टर था फ्रंट में, तो ये बहुत ही ज्यादा काला दिखाई नहीं दे रहा है। ये फिल्टर इतना गंदा हो गया है कि इसके अंदर तक चला गया है। मतलब पानी का टेस्ट हल्का सा खराब होना शुरू हो गया होगा, क्योंकि इसके अंदर से भी थोड़ी सी लीकेज हो रही थी, लेकिन बहुत पार्ट जो था वो साफ सुथरा था इसका। तो सबसे पहले फिल्टर को साफ कर लेंगे। कट्टे अच्छे रहते हैं इससे अच्छे तरीके से, और न्यू वाले लिक्विड से ही साफ हो जाएगा। वैसे साबुन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमारे। साबुन भी रख लेंगे। तो इस तरीके से आराम से घुमाते घुमाते जो रसमाइश की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे बड़े प्यार से, ज्यादा हाथ भी काले नहीं हुए। थोड़ा सा साबुन ले लेंगे, अब साबुन से साफ कर देंगे अच्छी तरीके से रगड़ेंगे। Thank you.
एक साफ हो गया है, दूसरे को भी ऐसी करेंगे। मैडम 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 मैडम, इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी। फिर हमारा ये काम आएगा। ये भी साफ अच्छी तरीके से हो गया है। अब रह गए हमारे ये तो हम डायरेक्टली साबुन से कर देंगे साफ। ये हो गया साहब सेकंड वाला। तो यहाँ पे ये भी लमसम हमारा साबुन की दीवार से आ गया है।
ये हो गया है एंड ये हो गया है। ये वाला इसमें लगेगा एंड से टाइट करने के लिए कुछ करेंगे नहीं ज्यादा। ये टाइट अच्छी तरीके से कस गया है और ये लग गया है। तो सबसे पहले हम इसमें लगा के इस वाले में पानी भर लेंगे। ये पाइप जो है पानी साफ निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने पूरी तरीके से सारी गंदगी जो है वो इसी के अंदर दोबारा डाल दी है। थोड़ा पाइप हमें पहले साफ कर लेना चाहिए था। क्योंकि अभी इसके अंदर पानी नहीं गया होगा क्योंकि पानी जाने के लिए प्रेशर होना चाहिए, ऐसे पानी डायरेक्टली नहीं जाता। लेकिन अब हमें मालूम चला है कि गंदगी है तो पाइप को पहले साफ कर लेंगे। जो पानी था वो एक्चुअली पहले ही जा चुका था और यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल सीधे लगे हुए थे। ये अच्छी बात ये है जिससे कि आपको ये ही मालूम चल रहेगा यहाँ से ये हिलाने से फिक्स आ जाता है अपने आप और आपको वो गोलियां वोलियां डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे ये बिल्कुल सेट एंड अब इसे टाइट कर देंगे। पानी खोल देते हैं। अब आपको गंदगी दिखाई नहीं देगी एंड ये हम इसमें लगा देते हैं।
रबड़ चेक कर देनी है क्योंकि रबड़ लीक कर गई थी वो। एंड रबड़ इस बार सही लगी है, अब लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपके सामने भी कभी भी आ सकती है तो हमें रेडी रहना चाहिए उसके लिए। और जो एयर है वो निकल जाएगी इसमें, सबसे अच्छी बात ये है। और अब हम अभी आप देखेंगे हल्की सी एयर है वो निकल रही है, जैसे प्रेशर में और आएगा तो वैसे ही निकल जाएगी। तो ये देखने के लिए मिलता है सेकंड हमें। एंड तो इसे लगाने के लिए यहाँ पे इसे कस लेंगे, ऐसे करना। तो ये कस गया है और इसे लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे और इस तरह को ऐसे लगा के इस पे फिट करेंगे। अभी नहीं करेंगे, पहले ये निकल जाएगी पूरी तब, नहीं तो ये आगे बहुत ज्यादा परेशान करेगी। पानी आ गया है, अब जो है प्रॉपर तरीके से वाटर टाइट एंड पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो यही होता है बस इसका छोटा सा प्रोसेस, और वही आपको डन करना होता है। तो ऐसे ही इंस्टॉल करिए अपने घर में, और किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसलिए आप भी कर सकते हैं।